दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का नजारा सलोरी क्षेत्र में। क्षेत्र को पूरा बसाया गया है एक बड़े से शहर की तरह। आपकी नज़र जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक यहाँ पर विद्युत पोल, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और यहाँ से संगम तक का पूरा जल, वायु और भोजन, हर चीज़ की व्यवस्था सरकार द्वारा करवाई गई है। यह है दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का एक क्षेत्र को पूरा बसाया गया है एक बड़े से शहर की तरह। आपकी नज़र जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक यहाँ पर पोल, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहां पर उपलब्ध हैं। और यहां से संगम तक का पूरा जल, वायु और भोजन, हर चीज़ की व्यवस्था सरकार द्वारा करवाई गई है। यह है दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का एक ये सब आर्टिफिशियल तैयार किया गया है। और इसको देख करके कोई नहीं कह सकता है कि ये आर्टिफिशियल है। इस दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ में बड़े बड़े मंदिर, कैलाशपुरी सब बना करके तैयार कर दिया गया है। देखिए शिव जी का विशाल कैलाश पर्वत यहाँ पर बना दिया गया है। और इसे देखकर के कोई नहीं कह सकता कि यह कैलाशपुरी नहीं है, यह है दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का एक छोटा सा नज़ारा। और इसके चित्रकार के नाम को मैं यहाँ पर आपके सामने दिखाना चाहूँगा। इसके नाम और नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, क्रेडिट देना चाहूँगा इन्हें मैं। मूर्तिकार है राकेश चक्रवर्ती जी, जबलपुर से आए हैं। मेरे परमात्मा की वाणी और माफ करना, वेदों में जो बात सूक्ष्म और सूत्रात्मक कही गई उसी को भगवान महर्षि कृष्ण द्वैत पायन वेद व्यास रात्रि में यहाँ का नजारा बहुत ही व्याख्यापित किया, भव्य होता है। से बखान किया उन्हें हम पुराण कहते। यहाँ पर अंदर सत्संग का कार्यक्रम भी चल रहा है। जो प्राचीन होने पर भी नवीन है वे पुराण। यहाँ का दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का नजारा हम रात्रि में प्रस्तुत करेंगे आपके लिए। देखिए दिव्य कुटियाएं बनाई गई यहाँ पर। और यहाँ पर हवन के लिए भी हवन कुंड तैयार किया गया है, इसका आप नजारा देख सकते हैं। और इस सुंदरता को देखते हैं आर्किटेक्चर की तारीफ, आर्किटेक्ट की तारीफ इसमें की जाए।
Thank you.